हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कुछ वैकेंसीज को आउट किया हुआ है और इन कुछ वैकेंसीज में आपकी जो ऑपरेशन एंड BD की वैकेंसीज है फॉर एग्जीक्यूटिव ग्रेड एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड, इन पर कोई भी बच्चा जिसने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है अगर वो एज लिमिट के अंदर आता है। अब देखिए, इन वैकेंसीज के सिलेक्शन के लिए, इन पोस्ट के सिलेक्शन के लिए आपको एक CBT होगा और उस CBT के सिलेबस में एक टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। सो इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज को हम एक बहुत ही अच्छी टाइमलाइन के थ्रू, एक ब्यूटीफुल टाइमलाइन के थ्रू कवर करेंगे और दो पार्ट्स में कवर करेंगे। एक पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले हमारे देश के अंदर रेलवेज किस तरीके से डेवलप करी गई, क्या किस तरीके से इसका कंसेप्ट आया, ठीक है। और एक पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद किस तरीके से इंडिया के अंदर रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ बाद में, किस तरीके से आपके डीजल लोकोमोटिव को इंडक्ट करा गया, कैसे एक्सपेंशन हुआ, ये सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट होगा आपका ऑब्वियसली पार्ट 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे कि भाई किस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जो रेलवे है उसका डेवलपमेंट हुआ इन ब्रिटिश इंडिया और किस तरीके से इसका कंसेप्ट आया। ओके, सो ऑल राइट, लेट्स टेक अ डीप डाइव इन टू दी टाइम और हमारी जो टाइम लाइन है उस पर हम चलेंगे इस इंजन और इस पिकाचू की मदद से। अब देखिए, टाइम लाइन को शुरू करने से पहले एक सवाल आप सभी से, आपसे कभी भी अगर ये पूछा जाता है कि भाई इंडिया में रेलवेज कब आई यानी कब पहली ट्रेन चली, आप सभी क्या जवाब देते हैं? इन 1853 लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में चलवाई थी, ये सब आप जवाब देंगे। लेकिन देखिए, सभी गलत जवाब है। ये जवाब तब सही होते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी ने करा था वो एक पैसेंजर सर्विस थी यानी एक वो पैसेंजर ट्रेन की सर्विस थी, ना कि वो पहली ट्रेन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉर्ड डलहौजी ने जो ट्रेन चलवाई थी इंडिया के अंदर वो पहली ट्रेन नहीं थी, ठीक है। उससे पहले ऑब्वियसली ट्रेन थी इंडिया के अंदर, लेकिन हाँ वो पहली पैसेंजर ट्रेन जरूर थी, ठीक है। ये बात सही है कि वो पहली पैसेंजर ट्रेन थी बट पहली ट्रेन नहीं थी, ठीक है, फर्क है दोनों बातों में। सो देखिए, जो आपका ट्रेन का कंसेप्ट यानी जो रेलवे का कंसेप्ट इंडिया के अंदर थोड़ा टाइम पहले ही आ गया था डलहौजी के टाइम से, और वो किस तरीके से आया था, देखिए हो क्या रहा था कि ड्यूरिंग 1830s 1840s जो ब्रिटिशर्स थे जगह जगह पे डैम्स बनाए थे, जगह जगह पे ब्रिजेस बनाए थे, लाइक गोदावरी पे ब्रिज बनाया, यमुना पे ब्रिज बनाया, या फिर कहीं और छोटी मोटी नदी पे ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। अब इन डैम्स और ब्रिजेस के लिए चाहिए होता है आपको हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी बड़े बड़े पत्थर चाहिए, बड़ा लाइक सीमेंट चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए होता है, आयरन पिलर्स चाहिए। अब ये जो इतना भारी सामान है इसको इधर से उधर मूव करना यानी ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी काम तो है नहीं। तो उस वक्त जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ा टाइम बाद ही कुछ जो इंजीनियर्स थे, ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए, एक रेलवे शुरू करी जाए कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। सो देखिए, आपको जो सबसे पहला प्रपोजल दिया गया था रेलवेज का वो दिया गया था इन द ईयर 1832 और जो आपका प्रपोजल था ये आपका मद्रास में कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सामने रखा गया था, ठीक है। बट उस वक्त इस प्रपोजल पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, इसके कुछ 4 या 5 साल बाद रेलवे स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, ठीक है। और देखिए, अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि वो इस टाइमलाइन की मदद से नोट्स कैसे बनाएगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ईयर लिखना है, डैश लगाना है और जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी बातें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी हुई हैं इनको वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और अपने इंजन को आगे बढ़ाते हैं छुक छुक करते हुए। ओके, सो देखिए, अब आ चुका है आपका ईयर 1837। अब देखिए इस ईयर में क्या हो रहा है, इस साल आपकी चलिए फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। ओके, पहली ट्रेन चली बिटवीन रेड हिल्स एंड चिंतादरी पैड ब्रिज जो कि मद्रास के अंदर आज भी है आपका। सो देखिए, जो ब्रिज आपका चिंतादरी पैड ब्रिज और ये जो रेड हिल्स है, तो इसी के बीच आपकी चली पहली ट्रेन। और देखिए, इस ट्रेन का नाम था आपका, ये यार जो रेलवे थी इसका नाम था रेड हिल रेलवे। ओके, और ये जो रेलवे थी इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था आपका आर्थर कॉटन ने। ओके, सो आर्थर कॉटन ने बनाया था आपका रेड हिल रेलवे को, जो आपकी फर्स्ट ट्रेन थी जो कि इंडिया के अंदर चली थी। अब देखिए, फर्स्ट ट्रेन है आपकी ये वाली जो कि 1837 के अंदर चली है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, तभी आप ट्रिक लगाइएगा अब 1853 को जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सो देखिए, अब आ चुका है आपका ईयर 1845। अब देखिए इस साल क्या हो रहा है, इस साल आपका हुआ गोदावरी डैम का कंस्ट्रक्शन और इसी के लिए बनाई गई गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे जो कि अगेन आर्थर कॉटन ने बनाई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली, लाइक ये कहाँ पर बनाई गई या फिर, सो देखिए इसको बनाया गया था डौलेश्वराम इन राजा मुंदरी और इसका काम क्या था, ताकि स्टोन्स को सप्लाई कर सके फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया भी था कि लाइक जैसे डैम बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, तो इनके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल चाहिए था, तो इनिशियली जो हमारा पर्पज था रेलवे को बिल्ड करने का वो ये था कि जो मटेरियल होता है, जो भी डैम के बनाने का सामान है या फिर जो भी ब्रिज को बनाने का सामान है, इसको ट्रांसपोर्ट कर सके इजिली। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए, अब आपका आता है ईयर 1851। अब देखिए इस साल क्या हो रहा है, इस साल आपका बनाया गया सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे जो कि आपका बनाया था प्रॉबी कॉटली ने इन रुड़की। ओके, अब आप सोचेंगे कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सो देखिए सब कुछ तो नहीं पढ़ना पड़ेगा बट आपको 1837, 1832 और 1851 को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1837 अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ट्रेन चली है, 1832 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका पहला प्रपोजल रखा गया
और 1851 थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आपकी रेलवे है किसी और ने बनाई है, ठीक है। जैसे 1845 वाली तो आपकी आर्थर कॉटन ने बनाई तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी जो 1851 वाली आपकी प्रॉबी कॉटलिन ने बनाई और थोड़ी सी एडवांस थी पहले वाले से, ठीक है। सो चलिए अब आगे चलते हैं और अपने इस इंजन को आगे बढ़ाते हैं। सो देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 1853, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब देखिए ये जो साल है आपका, इस साल आपकी चली थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, जो कि आप सभी ने पढ़ा हुआ ही है, ठीक है, और इसको चलवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखिए आपकी जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, इसको ऑपरेट करता था आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे आपका ऑपरेट कर रहा था इस रेलवे को। और देखिए आपकी जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें आपके टोटल 14 बोगे थे, 14 आपके डिब्बे थे और ब्रॉड गेज के थे, जो कि आपका आज के टाइम में एक स्टैंडर्ड गेज है, ठीक है, स्टैंडर्ड गॉज है आपका ये। और देखिए जो ट्रेन है ना आपकी, इसको चलाने के लिए आपके तीन इंजन की मदद लगी थी, जिनके नाम है साहेब, सिंध और सुल्तान। और ये जो ट्रेन थी आपकी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी, और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, बोरी बंदर मुंबई, जो कि आपका मुंबई के अंदर है, टू थाने। हम देखिए जनरली क्या पढ़ते हैं, मुंबई से थाने, लेकिन मुंबई से थाने नहीं था उस वक्त था बोरी बंदर टू थाने, ठीक है। आज के टाइम में भले ही वो मुंबई हम बोलते हैं, बट आपकी प्रॉपर लोकेशन है बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी, और एक 34 किलोमीटर की यानी 34 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो वेल देखिए अब हम आ गए आगे, और देखिए अब आ चुका आपका ईयर 1854। अब देखिए इस साल क्या हो रहा है, इस साल आपका पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया ओवर दी थाने क्रीक। और देखिए क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपकी जो बॉम्बे थाने लाइन थी उसको हमने एक्सटेंड कर दिया था कल्याण तक, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका जो ईस्टर्न इंडिया था, यानी जो आपका बंगाल वाला साइड एरिया है, यहाँ पर आपकी पहली रेलवे स्टार्ट करी गई, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करी गई, और ये आपकी करी गई थी 39 किलोमीटर की दूरी तक के लिए स्टार्ट, बिटवीन हावड़ा एंड हुगली। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम, और आप आ चुका है आपका ईयर 1862। ये देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में आपकी पहली रेलवे वर्कशॉप स्टेब्लिश करी गई थी जमालपुर बिहार के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं एक पिक्चर आपके सामने वर्कशॉप की, आगे आप देख पा रहे हैं ये आपका जो स्टीम इंजन होता है उसका ये स्टीमर टाइप आप देख पा रहे हैं, एक छोटा छोटा आपका ये सर्कुलर कंटेनर है, आप शायद देख पा रहे होंगे इमेज में। सो देखिए आपकी एक वर्कशॉप की इमेज है, और ये फर्स्ट वर्कशॉप थी आपकी रेलवे की, जो कि इंडिया के अंदर स्टेब्लिश करी गई थी इन ईयर 1862 इन जमालपुर बिहार। ओके तो देखिए आप सभी क्या करेंगे, ये जो नोट्स बनाएंगे ना तो सिंपली ईयर लिखेंगे और आगे ये सब लिखते चलेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में समझाई दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब आगे चलते हैं, और अब आ चुका है आपका ईयर 1864, यानी 2 साल बाद। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बहुत ही लैंडमार्क स्टेशन, इसका नाम है दिल्ली जंक्शन, इसको बनाया गया इन द ईयर 1864, और ये आपका नॉर्थ इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना था। और सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 1867 आपका लखनऊ स्टेशन बनाया गया, जो कि आपका नॉर्थ इंडिया का सेकंड स्टेशन बना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपनी इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अब हमारा इंजन आ चुका है ओवर द ईयर 1873, यानी 1873 में हम आ चुके हैं। और देखिए इस साल क्या हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल क्या हो रहा है आपका, जो हॉर्स ड्रॉन ट्रैम है, यानी ऐसी ट्रैम्स जो कि घोड़े खींचते हैं जिनको, ठीक है, तो वो स्टार्ट करी गई थी कोलकाता के अंदर। और ये आपकी जो पहली हॉर्स ड्रॉन ट्रैम थी, ये आपकी 3.8 किलोमीटर तक चली और कलकत्ता से सियालदा के बीच में चली थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसी के बाद अगले साल 1874 के अंदर आपकी हॉर्स ड्रॉन ट्रेनवे शुरू करी गई थी बॉम्बे के अंदर, बिटवीन कोलाबा एंड परेल। ओके अब देखिए हॉर्स ड्रॉन ट्रेनवे कैसी होती है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर आपके सामने ही, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 1879। अब देखिए इस साल क्या हो रहा है, इस साल आपका जो हैदराबाद स्टेट था हमारा उस टाइम पे, यानी हैदराबाद पूरा जो रीजन था, आज तो खैर शहर है, बट उस वक्त पूरा एक स्टेट हुआ करता था जिसपे आपका रूल करता था निजाम। तो देखिए जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने एक घोषणा करी कि वो स्टेट रेलवे सर्विस को एस्टेब्लिश करेंगे, और ये आपकी जो स्टेट रेलवे सर्विस होगी, इसका जो आपका सर्विंग हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा आपका कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन। ओके अब चलिए आगे चलते हैं, और देखिए अब आ चुका है आपका ईयर 1895। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि देखिए इस साल क्या हुआ है, देखिए इस साल क्या हुआ, आपका जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर खुद से। अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी जितने भी जो ट्रेन वगैरह थी उनके लिए जो लोकोमोटिव्स थे वो बाहर से आए थे, ठीक है, यानी इंडिया के बाहर से आए थे। बट इस साल क्या हुआ, जो आपके लोकोमोटिव है, हो सकता है आप सोच रहे हो लोकोमोटिव क्या होता है, लोकोमोटिव होता है आपका जो ट्रेन का इंजन होता है, हम कहते हैं लोकोमोटिव। तो आपके जो लोकोमोटिव थे वो मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर, और आपका पहला स्टीम लोकोमोटिव बना था उसका नाम था F734। आपके सामने देखिए इमेज जो है F734 की है, ठीक है, जो आपका पहला लोकोमोटिव था इंडिया के अंदर। देखिए आज भी ये आपका प्रिजर्व करके रखा गया है, जो आपका रेलवे म्यूजियम है कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली के अंदर है ना, तो वहां पर आपका ये प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस इंजन को बनाया किसने था, इसको बनाया था आपका अजमेर में जो आपकी वर्कशॉप थी राजपुताना मालवा रेलवे की, उसने इसको बनाया था, ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी बातें। अब ये देखिए सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा एक जगह पर। अब आप देखिए हमारा जो रेलवे नेटवर्क था 1895 तक आता था, वो काफी बड़ा हो चुका था अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखें। अगर आप देखिए 1880s तक ही, तो हमारा जो रेलवे नेटवर्क की लेंथ ही होती है आपकी 14,400 किलोमीटर, और इन 1880 आपका और क्या हुआ था, इन 1880 आपका जब की दार्जिलिंग स्टीम ट्रेनवे थी उसको शुरू करा गया था, उसको जो पहला सेक्शन था सिलीगुड़ी से लेके कुरसोंग वाला, इसको शुरू कर दिया गया था।
और सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 1881 आपकी इस लाइन को एक्सटेंड कर देगा था दार्जिलिंग तक, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी जो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं आपका नेटवर्क बढ़ रहा होता जा रहा था, इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, इस नेटवर्क को लगातार सिंक्रोनाइज रेम चलाने के लिए आपको एक रेलवे बोर्ड चाहिए। तो इसीलिए इन द ईयर 1901 आपका रेलवे बोर्ड को बनाया गया। और देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, ये आपकी शिमला रेलवे बोर्ड की इमेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो रेलवे बोर्ड था उसका जो हेडक्वार्टर था वो शिमला के अंदर था, और बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है, अपने आप में एक हेरिटेज बिल्डिंग है ये। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका इनिशियली रेलवे बोर्ड था वो था आपका शिमला के अंदर, और 1901 में आपका ये बनाया गया था पहला रेलवे बोर्ड, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए आगे चलते हैं और हमारा जो इंजन है वो जाएगा सीधे सीधे 1925 पर। और देखिए इस साल आपकी 3 फरवरी को फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन को शुरू करा गया बिटवीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू कोरला हार्बर, ओके। सो देखिए ये आपकी एक लास्ट डेवलपमेंट थी बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, हालांकि इसके बाद नेटवर्क बड़ा होता रहा और चीजें और आती रही, भाई नई नई इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन आई, बट अगर हम बात करें मेजर जो आपकी डेवलपमेंट थी वो इतनी ही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा, बाकी आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस चीज़ों को कवर करेंगे, लाइक किस तरीके से रेलवे जो आपके जोन थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से आपका नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, किस तरीके से आपका डीजल लोकोमोटिव का इंडक्शन हुआ, एंड मैनी मोर थिंग्स, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी कुछ जो था समझ में आ गया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस टाइमलाइन के थ्रू पढ़ना। और अगर आपको कोई और सजेशन है रिगार्डिंग दी कंटेंट आप उसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।